ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हमने बात की थी हेपेटिक ऑप्सिडा की, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। सबसे पहले ब्रायोप्सिडा को हम देख लेते हैं। इस इमेज के अंदर आप मॉसेस को देख सकते हैं, और मॉसेस जो हैं ब्रायोप्सिडा को हम कहते हैं कि ब्रायोप्सिडा का जो कॉमन नेम है वो मॉसेस भी है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे फुट सीटा और कैप्सूल वाला जो एरिया है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, और यही मॉसेस की खसूसियत है। मॉसेस का हैबिटेट तकरीबन वही है जो हम लिवर वॉर्ट्स का पढ़ते हैं, या नॉर्मली जब हम ब्रायोफाइट्स को देख रहे थे या ब्रायोफाइट्स के हमने हैबिटेट की बात की थी, तो तकरीबन इसका वही हैबिटेट है। एक डिफरेंस जो हम इसके हैबिटेट में देखते हैं वो ये है कि जिस तरह से हमने कहा था ब्रायोफाइट्स को या लिवर वॉर्ट्स को जो है वो वाटर चाहिए होता है, या ये मोस्टली जो है वो डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, डैम्प प्लेसेस हो गए या मॉइस्ट रॉक्स वगैरह, वेट सॉइल्स, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा ये वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन ब्रायोप्सिडा की खसूसियत ये है कि ब्रायोप्सिडा जो है ये वहाँ भी होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट या सॉइल जो है वो ड्राई है, यानी कि दे कैन सर्वाइव ऑन ड्राई प्लेसेस एज वेल। लेकिन जैसे हमने कहा था कि दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, तो इसीलिए इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर ये किसी ड्राई प्लेस पे हैं तो जब भी इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होगा इनको पानी की ज़रूरत होगी, सो दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इसके प्लांट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस इमेज के अंदर आपको मॉसेस दिखाए गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ रॉक्स नज़र आ रही हैं और उसके ऊपर मॉसेस ग्रो हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉसेस का, या एक सिंगल मॉस के प्लांट को आप देख सकते हैं, और जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर फुट सीटा और कैप्सूल, तो सीटा और कैप्सूल वाला जो एरिया है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो आप इन दोनों इमेजेस के अंदर देख सकते हैं कि ये कैप्सूल और ये यहाँ पे सीटा, इसी तरह से ये एरिया कैप्सूल और ये सीटा। यही वजह है कि हम इसे कहते हैं कि इट्स गैमेटोफाइट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बट ऑफ कोर्स ये रियल स्टेम या रियल लीफ तो नहीं होंगे। इसी तरह से जिस तरह जब हमने ब्रायोफाइट्स को देखा था हमने कहा था कि उनके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी तरह से इनके अंदर भी, मॉसेस के अंदर भी राइजोइड्स होंगे, और राइजोइड्स हेल्प करते हैं एक तो प्लांट को एंकर करने में और दूसरा एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि वाटर और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके देते हैं प्लांट को। सो मॉसेस के अंदर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इसके एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं जैसे कि फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम वगैरह। यहाँ इन इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये इमेज है हमारे पास फ्यूनेरिया का, जबकि ये दूसरा इमेज है हमारे पास पॉलीट्राइकम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सीटा और कैप्सूल जो हैं वो प्रोमिनेंट रीजन है या प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं इस प्लांट के। इसके बाद हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। मॉसेस के अंदर जब हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एंथ्रीडिया एंड आर्चेगोनिया जो कि सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये एक ही प्लांट के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, यानी कि एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, या फिर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। डिफरेंट प्लांट, जब ये एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर होंगे तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है फ्यूनेरिया, और जब डिफरेंट प्लांट होंगे तो इसकी एग्जांपल है पॉलीट्राइकम, जिसको हम ऑलरेडी अपने एग्जांपल में भी देख चुके हैं। मॉसेस के अंदर एक और डिफरेंस जो कि ब्रायोफाइट से ज़्यादा पाया जाता है या लिवर वॉर्ट्स की निस्बत पाया जाता है वो ये कि इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चेगोनिया क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लस्टर्स कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर से मिक्स हुए हुए होते हैं, और वो एक ओवरऑल जो हमारे पास बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं पैराफाइसिस। तो ये हमने देख लिया रिप्रोडक्शन को। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे हमने लिवर वॉर्ट्स की बात की थी या जब हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और वहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ा था, तो तकरीबन वैसे ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो ब्रायोप्सिडा में भी प्रेजेंट है। लेकिन एक डिफरेंस है इन द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोप्सिडा, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जब ब्रायोप्सिडा में स्पोर्स बनते हैं तो स्पोर्स एक
एल्गा लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं जो कहलाता है प्रोटोनीमा। और इस प्रोटोनीमा के ऊपर कुछ बर्ड्स बनते हैं और वो बर्ड्स ग्रो करके गेमेटोफाइट बनाते हैं। आमतौर पे तो नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि स्पोर्स हैं और स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं किसी भी न्यू लोकेशन पे और वहाँ पे गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पोर्स एक एल्जी लाइक या एल्गा लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं और उसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं और बर्ड्स से फिर गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो कि मॉसेस में पाया जाता है। इसके बाद हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मॉसेस का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। नंबर वन से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पोर्स, और स्पोर्स जो हैं उनसे हमने कहा था कि एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रोटोनीमा। और ये दो पार्ट्स आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं कि एक साइड पे आपको मेल गेमेटोफाइट बनता दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट बनाता दिखाई दे रहा है एक वक्त में, क्योंकि ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं तो इस तरह से, इसलिए आपको दो पार्ट्स में फीमेल और मेल दोनों तरह के गेमेटोफाइट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा के ऊपर फिर हमने कहा था कि बर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बर्ड है या ये एक बर्ड है। ठीक है, और ये बर्ड फिर ग्रो करता है और गेमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेल गेमेटोफाइट बना और यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। और इस मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे राइजोइड्स नज़र आएंगे, और ऊपर यहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये गेमेटोफाइट। अब यहाँ गेमेटोफाइट के ऊपर अगर आप गौर करें ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है, और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये दोनों हैं फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे पास है आर्चिगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। तो यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है कि ये एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग। एंथ्रीडिया के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स और ये एग्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है। और यहाँ पे लाइफ साइकिल में आपको रेन ड्रॉप शो हुआ है। रेन ड्रॉप बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्पर्म को एग की तरफ मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि स्पर्म क्योंकि मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये मूव करके आएंगे और आर्चिगोनिया के अंदर एग के साथ फर्टिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन का स्टेप दिखाई दे रहा है जो कि आर्चिगोनियम के अंदर होता है। और जब ये फर्टिलाइज कर चुकेंगे तो क्या होगा कि एक जायगोट बनेगा। जायगोट जो है वो ग्रो करेगा इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमारे पास एक स्पोरोफाइट बन जाएगा। और एक पूरे प्लांट को अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर आपको गेमेटोफाइट भी दिखाई दे रहा है और स्पोरोफाइट भी दिखाई दे रहा है। ये नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, गेमेटोफाइट। और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये क्या है, ये स्पोरोफाइट। तो अगर आप गौर करें तो ये तकरीबन वही लाइफ साइकिल है जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। सिर्फ एक डिफरेंस जो यहाँ पे हमने देखा वो क्या है, वो ये है कि जब हमारे पास स्पोर्स बनते हैं तो स्पोर्स इंस्टेड ऑफ जर्मिनेटिंग इंटू गेमेटोफाइट दे फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स बनते हैं जिससे फिर आगे जाके गेमेटोफाइट बन जाते हैं। तो ये हमने देख लिया लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। आज के लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने बात की है डिवीजन ब्रायोफाइटा की, एक सब डिवीजन ब्रायोप्सिडा की जिसको हम मॉसेस भी कहते हैं। हमने मॉसेस के हैबिटेट को देखा, इसके प्लांट स्ट्रक्चर, हैबिटेट प्लांट स्ट्रक्चर, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसके बाद फिर हमने इसके लाइफ साइकिल को देख लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।